यूपी तक अब 80 लाख लोगों का परिवार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई किसी के साथ रहे ना रहे, अभी मान लीजिए कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान हम बेरोजगार हैं, अब हमारी उम्र हो गई है शादी करने के लिए, अब शादी हम कर लिए और शादी कर लिए बेरोजगार जिस समय, उस समय शादी कर लिया, कल को हम पीछे हो जाएं और फिर हमारी पत्नी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, उसको हम छोड़ दें, तब तो पुरुष बदनाम हो जाएगा। हम फोर्थ ग्रेड की नौकरी करते हैं और अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं और आज 10 साल बाद 5 साल बाद वो हमको छोड़ के चली जाए, दो बेटी होने के बावजूद, तो मैं कैसे समाज एक्सेप्ट करेगा? जो समाज में एक परसेप्शन बन रहा है कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ, मैं इसको प्रिमिटिव मानता हूँ, क्योंकि आप 19वीं सदी से बाहर हैं, 21वीं सदी में आप आ गए हैं और यहाँ जो स्थिति ये है कि यहाँ शिक्षा है। वो अपने अहदे के लोगों को ढूंढने लगी, ठीक है, उसे बातें करना जो भी है, ये उन्होंने बहुत गलत किया। आज तक हम संभालते हैं, औरतों को भी ये चीज़ चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है उसका साथ दे, ठीक है, उसका साथ दे, उसका सहयोग करे। बहुत से मतलब हस्बैंड जो हैं वो भी तो बाहर जाते हैं पढ़ने, तो जो उनके पिता होते हैं बीवियों के, अब वो कहते हैं कि बाबू आप पढ़ने मत जाइए, आप पढ़ लेंगे तो आप भी कुछ बन जाएंगे, तो फिर जब बन जाएंगे तो हमारे बेटी को छोड़ देंगे, कि सरकार का उसका पर्सनल मामला, इसमें वो नौकरी कर रही है इसमें सरकार का क्या दोष है, वो पर्सनल मैटर है, वो अपना किसके साथ रहना चाहती है इससे उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या गांव ग्रामीण ज़्यादा जनसंख्या 80% अभी लोग ग्रामीण है, तो हम लोग वेस्टर्न कंट्री के चीज़ों पर अभी नहीं जा सकते हैं। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के ठीक सामने पंत पार्क है और यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे अब पूछते हैं कि आखिर ज्योति मौर्य को कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं आप ज्योति मौर्य के बारे में? देखिए भैया, ज्योति मौर्य के निजी जीवन के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो परसेप्शन है, जो समाज में एक परसेप्शन बन रहा है कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ, मैं इसको प्रिमिटिव मानता हूँ, क्योंकि आप 19वीं सदी से बाहर हैं, 21वीं सदी में आप आ गए हैं और यहाँ जो स्थिति ये है कि यहाँ शिक्षा है और अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का कहता है राइट टू लाइफ लिबर्टी, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टनर को अपना चूज कर सकता है, सहमति से तलाक दे सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है आपका तलाक की अनुमति देती है, सेपरेशन आप जुडिशियल सेपरेशन का वो प्रावधान करती है, आप कोई किसी के साथ रहे ना रहे, अभी मान लीजिए कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान हम बेरोजगार हैं, अब हमारी उम्र हो गई है शादी करने के लिए, अब शादी हम कर लिए और शादी कर लिए बेरोजगार जिस समय, उस समय शादी कर लिए, कल को हम पीछे हो जाएं और फिर हमारी पत्नी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, उसको हम छोड़ दें, तब तो पुरुष बदनाम हो जाएगा। तो इसी विचारधारा को मैं बिल्कुल कतई मैं सपोर्ट नहीं करता हूं और मेरा मानना है कि आप 21वीं सदी में हैं, आप बिल्कुल मॉडर्न रहिए और सबकी सहमति और उसका कंसेंट उसको बनाए रखने दीजिए और ऐसी व्यवस्था को मत पनपाइए जो एक समय और एक समाज में जो लड़कियां जो आज महज से पीछे हैं, चूँकि अभी भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 50% आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए और आपके बिहार सरकार में जो है 50% आरक्षण है भी और बढ़ चढ़ के वो पुलिस और BSF जैसे नौकरियां कर रही हैं, तो इस तरह का परसेप्शन और कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। जी आपका नाम? मेरा नाम दीनानाथ गुप्ता है। दीनानाथ जी बताएं, क्या लगता है कि ये जो प्रकरण चल रहा है और जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड, क्या ऐसे में लोगों को भरोसा होगा पढ़ाने में, क्योंकि माँ बाप नहीं पढ़ाए लेकिन पति ने पढ़ाया और पति के पढ़ाने के बाद वो SDM हुई और SDM होने के बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत चर्चित विषय है आज के समय में, तो ऐसे में क्या लगता है कि वो कितना सही और कितना गलत? देखिए, ऐसे मामले कोर्ट में बहुत ऐसे मामले आते हैं जो मान लीजिए ये तो ट्रेंडिंग में है इसलिए सबको पता है, और ऐसे बहुत मामले हैं जो कोर्ट में आते हैं, ये अगर मान लीजिए औरत मतलब जो पढ़ाने की बात हो रही है कि अपने बीवी को पढ़ाने की बात है, ऐसे बहुत से मतलब हस्बैंड जो हैं वो भी तो बाहर जाते हैं पढ़ने, तो जो उनके पिता होते हैं बीवियों के, अब वो कहते हैं कि बाबू आप पढ़ने मत जाइए, आप पढ़ लेंगे तो आप भी कुछ बन जाएंगे, तो फिर जब बन जाएंगे तो हमारे बेटी को छोड़ देंगे, तो ये भी तो गलत है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की सज़ा सबको मिले, ये तो हमारे हिसाब से उचित नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम रोहित वर्मा है और मैं LLB थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मैं सर ये जो भैया लोग बोले हैं उनसे सहमत तो हूँ, ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो भारत के प्राचीन इतिहास से देखा जाए तो ये देखा जाता है कि पत्नी पति ये दोनों का रिश्ता एक संस्था होती है, विवाह और विवाह एक संस्था होती है, इस वजह से ये दोनों लोग अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और ये लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करते हैं। लेकिन सर ये सबसे बहुत दुखद बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्री के नहीं हैं, हम इंडियन सोसाइटी के, और इंडियन सोसाइटी में अभी ये चलन है नहीं कि अभी शादी करके पत्नी किसी दूसरे के साथ
चले जाए और इस तरह से माहौल बेकार होता है, माहौल को बहुत धक्का पहुंचा है। और इस तरह से कोई भी पुरुष यही सोचेगा कि हम कैसे 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 जाने दें किसी को। हम फोर्थ ग्रेड की नौकरी करते हैं और अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं और आज 10 साल बाद 5 साल बाद वो हमको छोड़ के चली जाए 2 बेटी होने के बावजूद, तो मैं कैसे समाज एक्सेप्ट करेगा? तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। भैया लोग की बात सही है, लेकिन फिर भी इसका एक क्रिटिसिज्म है, इस पर विवाद होना चाहिए। ये बहस की बात है, ये मुद्दे की बात है। इस वजह से मैं चाहूँगा कि वो जो भी हुआ ये गलत हुआ है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, अपने बेटी बच्चों के साथ रहना चाहिए, अपने पति का साथ देना चाहिए, अपने ससुर के साथ साथ देना चाहिए, अपने मायके को साथ देना चाहिए, अपने ससुराल वालों को साथ देना चाहिए। ये एकदम अन्यथा एकदम गलत है। धन्यवाद जी। आपका नाम? विशाल भारती। विशाल जी, आप इसको कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? सर, ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। आप अक्सर देखें कि शिक्षित व्यक्ति जो है आज से नहीं प्राचीन काल से ही एक महिला को संभालते हुआ है, ठीक है। एक महिला शिक्षित हो करके उस व्यक्ति को पीछे छोड़ दी कि वो अनपढ़ है, गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है। वो अपने अहदे के लोगों को ढूंढने लगी, ठीक है, उसे बातें करना जो भी है, ये उन्होंने बहुत गलत किया। आज तक हम संभालते औरतों को भी ये चीज़ चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसका साथ दे, ठीक है, उसका साथ दे, उसका सहयोग करे, ना कि उसे छोड़ दे और भरे समाज में उनकी आलोचना करे कि वो पढ़ा लिखा नहीं है वो, ठीक है सर, पढ़ाया उसे पढ़ाया भी सर। जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बताइए, अगर ये समाज की ये इतनी शिक्षित महिला है जो SDM के पद पर एक गजेटेड ऑफिसर है और ये इस तरह से कर रही है, तो गांव की जो दूर दराज में गांव की लड़की पढ़ रही है आज, तो उसके माँ बाप या भाई बहन या उसके पति क्या सोचेंगे? आज आप बिहार जैसे स्टेट में चले जाइए, वहाँ पे शादी होने के बाद छोटी उम्र में शादी हो जाती है, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, तो जो महिलाएं होती हैं वो ससुराल में आके पढ़ती हैं और वहाँ से जाके तैयारी करती हैं। तो वो अगर ये इस तरह से समाज में अगर एग्जाम्पल पेश होगा तो उनके घर वालों पे कैसा असर पड़ेगा? एकदम निगेटिव असर पड़ेगा। तो हम इसके एकदम पक्षधर नहीं हैं, भारतीय सभ्यता को बचाया जाए, हम तो यही चाहेंगे। धन्यवाद सर। और लोग भी हैं जी, एक बार मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग ज्योति के पक्ष में भी आए, तो मैं उनके लिए क्या कहेंगे? पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है भैया, यहाँ समस्या ये है कि हम जिस जो विचार जो उनके सेपरेशन होने से, जो अलग होने से, जो समाज में एक कंसेप्ट बन रहा है जिससे एक आम आदमी उससे प्रभावित हो रहा है, कारण यह है कि ग्लोबलाइजेशन है और ये सोशल मीडिया का दौर है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि जो व्यक्ति गांव में बैठा है वो अपने जो बहू पढ़ा रहा है, अभी हाल ही में देखिए अभी बिहार में एक प्रकरण आया है किसी मामले में कि वो पढ़ना चाहती थी, उनके पति बहुत डिनाई कर दिए, बोले हैं कि ज्योति मौर्या जो है छोड़ के चली गई और तुम भी ऐसा कुछ नहीं है, कहीं इस तरह का प्रेरणा मतलब एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन कहीं आपको ऐसी शिक्षा नहीं देता है कि आप SDM हो गए, DM हो गए या जज हो गए तो आप अपने हस्बैंड को छोड़ दीजिए, अपने घर वालों को छोड़ दीजिए। वो एक मेंटेलिटी है, उनका शुरू से ऐसा मेंटेलिटी रहा होगा, उसमें एजुकेशन का कोई दोष नहीं और अवगुण नहीं है। हाँ, ये मेंटेलिटी का मामला है और इसमें बिल्कुल आप जान लीजिए कि वह एक दो व्यक्तियों के बीच का विवाद है और आप तमाम कोर्ट में मामले हैं, घरेलू हिंसा के मामले हैं कोर्ट में सबसे ज़्यादा मामले आज की स्थिति में ये हैं कि आप जाइए किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सबसे ज़्यादा मामले घरेलू हिंसा के हैं। तो क्या उन घरों को आप नहीं देखेंगे जिन घरों के जो है मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रहे हैं मामले? बहुत सारे पति जो है पढ़ा रहे हैं, कहीं पत्नी छोड़ रहे हैं, कहीं पति छोड़ रहा है, तो पक्ष और विपक्ष नहीं है इसमें। एक जो है अभी तमाम ऐसे लॉ हैं सेपरेशन करने के लिए, आप जुडिशरी खुद व्यवस्था की है, आप जब जाएंगे हिंदू मैरिज एक्ट में तो वहाँ ये व्यवस्था है, हिंदू जो हिंदू है उसके विवाह की एक संस्कार है, विवाह एक संस्कार है कहा गया है, और उसमें एक व्यवस्था ये है कि आप जब आप तलाक के लिए जब आप एप्लीकेशन मूव करेंगे कोर्ट में तो वहाँ ये है कि आप पहले कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट आपको जो है जुडिशियल सेपरेशन का वो देगा, यानी न्यायिक पृथक्करण देगा, बोलेगा कि 1 साल बाद आप आइए तब जाके हम तलाक की अर्जी सुनेंगे। यानी समझिए कोर्ट चाह रहा है कि जो हिंदू है, जो हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया है वह 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, ठीक है, तो उसमें कोर्ट भी नहीं चाहता कि आप अलग होइए। यानी आपके कहने का मतलब ज्योति ने 7 की जगह 14, यानी 7 इधर भी फेरे 7 इधर। हाँ जी जी बिल्कुल, और वहाँ कोर्ट बिल्कुल आपको सेपरेशन करे, आप कहीं पूरे भारत में बता दीजिए एक केस जो तुरंत सेपरेशन कर दे, तुरंत तलाक कर दे, तलाक का कहीं तुरंत प्रावधान नहीं है, 1-1 साल बाद 3-3 साल हो जाते हैं तलाक कोर्ट नहीं देता है। कारण यह है कि पति पत्नी कभी अपना म्यूचुअल कंसेंट बना के फिर सहमति से अपना एक हो जाए, इसको बहुत मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है,
और ये मुद्दा बन जाएगा तो समझ लीजिए बहुत सारी लड़कियों का नुकसान हो जाएगा, चाहे किसी की बहन हो, किसी की बीबी हो, जो भी है, जो भी रिलेशन है, इसका बहुत बुरा प्रभाव समाज में पड़ेगा। और ऐसी चीज़ों को बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि मीडिया भी जो है इसे हाईलाइट ना करे, क्योंकि तो सोशल मीडिया का भी दौर है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो ठीक है अपना काम कर रही है, सोशल मीडिया तो बहुत ग्राउंड लेवल वाली बात और बहुत छोटी छोटी बातों को जो है हाईलाइट कर दे रही है, उससे समाज पर एक प्रभाव पड़ रहा है, कहीं हानियाँ कहीं नुकसान दोनों है। चलिए जी बताइए, अभी आपको जैसा लग रहा है कि जो लोग ज्योति मौर्या के पक्ष में आ रहे हैं और एक अलग संदेश दे रहे हैं, तो क्या उनके पति इस बात से कितना आपको लग रहा होगा प्रभावित हो सकता है, या परिवार कितना प्रभावित है? सर बताइए कि एक पढ़ा लिखा परिवार जो पढ़ा लिखा था, नौकरी भी है उनके पास, वो इस झमेले में पढ़ के एक एक लड़की के एक औरत की वजह से पूरी फैमिली उसकी एक तरह से समझिए उसके उसका समाज में क्या है, पूरा उसका बर्बादी हो गया, पूरा उसके पति का इज्जत जो होता है सास ससुर का या फिर उसके मायके का, तो इस तरह से प्रभाव पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया की रोल आज न होती तो उस वो प्रकरण हमारे सामने न आता। तो सबसे हमको सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया का होना, अगर वो नहीं रहती तो आज हमारे सामने ये चीज़ नहीं आता, और पता नहीं कितने पूरे भारत में कितने घरों में ऐसा हो जाता होता है। तो हम चाहेंगे कि इसमें जो भी हो, ये अगर न्यायालय में जाता मामला तो न्यायालय के द्वारा आप लोग ले लीजिए अपना जो भी पृथक्करण लेना हो, 6 मंथ का वो मिलता ही है, तो इस तरह से काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लेना ही चाहते हैं तलाक, तो तलाक ले लीजिए, लिखित लीजिए, कानूनी तौर से लीजिए, आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, तो ये मामला होता है। आप लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाइए। सिस्टम की बात करें, आप क्या कहना? बिल्कुल देखिए, न्यायालय का बात इसलिए मत करिए, न्यायालय नहीं, रिश्तों का जो जोड़ होता है वो न्यायालय से नहीं होता है। ठीक है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है, हिंदू को जो है क्या बोलते हैं कोडिफाई ला बना दिया गया है, जो हिंदू विवाह था पहले 1954 के पहले, यानी 1954 के पहले जो हिंदू थे उनकी जो विवाह की संस्कृति थी वो दूसरे तरह थी, लेकिन 1954-1955 में जो हिंदू कोड भी लाया गया और हिंदू कोड भी हिंदू मैरिज एक्ट में कन्वर्ट हो गया, जो कोडिफाई हो गया यानी दंड का भी प्रावधान हो गया, जो अनुच्छेद 44 अभी आपका चल रहा है मामला UCC, वही बात हो रही है कि सारे धर्मों में एक कोडिफाई ला बनाया जाए कि आप ओरली और मुँह से बोल के किसी लॉ को जो है चला लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। एक कोडिफाई रहेगा तो मन में भय भी रहेगा, तो ऐसा नहीं है। न्यायालय देखिए, मैं फिर एक बार बोला हूँ कि न्यायालय जो है आपको तलाक तुरंत दे नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यायालय चाह रहा है कि आप ऐसी व्यवस्थाओं को, ऐसे परिवार के बीच के झगड़ों को आप न्यायालय मत लाइए, आप सुलझा लीजिए। लेकिन एक बात ये भी तो है कि सरकार का उसका पर्सनल मामला, इसमें वो नौकरी कर रही है, इसमें सरकार का क्या दोष है, वो पर्सनल मैटर है, वो अपना किसके साथ रहना चाहती है इससे उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब सरकार ये थोड़ी ना कहेगा कि तुम उसके साथ गलत किए तो हम तुमको मतलब तुम्हारे नौकरी से निकाल देंगे, SDM के पद से निकाल देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए बार 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 ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अब हमारे नज़र में जो गलत है वो कोर्ट के नज़र में थोड़ी ना गलत हो सकता है, वो तो हमेशा कहेगा भाई हमको प्रूफ चाहिए। तो इसका यही सीधा है कि उस मतलब एक का जो सज़ा है वो सबको ना मिले तो ही बेटर है। सर एक बात हम और कहेंगे, देखिए सर अभी इंडिया है और इंडिया में अभी जो कल्चर्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो कल्चर्स हैं, उसको अभी सेव होना है। और गांव, हम लोग क्या गांव ग्रामीण ज़्यादा जनसंख्या 80% अभी लोग गांव ग्रामीण हैं, तो हम लोग वेस्टर्न कंट्री के चीज़ों पे अभी नहीं जा सकते हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे यहाँ छोटे छोटे जो भी अभी तो ये हाँ तो संस्कारों की बात है, तो थोड़ा सा इस पर मुद्दा रखना चाहिए। और वो तो पढ़ी लिखी है ना भाई, गजेटेड ऑफिसर, ये भी तो सोचें, वो इनका थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो देखा आपने कि यहाँ पर सभी लोगों ने एक ही बात कही, ज्योति को अपने संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए, अपने पति के साथ होना चाहिए, अपने ससुर के साथ और अपने परिवार के साथ होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को इस बात से ठेस पहुंच रही है, लोग चाहते हैं कि ये संदेश बहुत ज़्यादा ना फैले, लोगों में गलत संदेश ना जाए, वरना इस तरीके के प्रकरण को और भी बढ़ावा मिलेगा। गजेंद्र त्रिपाठी, UP तक।